हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कि जबरदस्त कंडीशन में है। आज की बात करें तो टोटली अपर सर्किट पे लोक है। आज के हाई की बात करें, लो की बात करें, मॉर्निंग से अपर सर्किट पे लोक है। और बाउंड वीक हाई की बात करें तो नया बाउंड वीक हाई डेली बेसिस पे सेट कर रहा है। अगर इसके 5 दिन की बात करें तो गाइज आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो कि 7 जुलाई को एक बार ब्लिंक देखने को मिला था, एक जो कि फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो भी इन्वेस्ट करना चाहते थे उसके लिए यहाँ पर जो कि ऑफकोर्स मिस हो गया है। एंड अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो कि 100 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था जैन 2008 में, और एट प्रेजेंट आपको बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है। गाइस, अगर आप यकीन नहीं करेंगे, अभी देख भी सकते हैं 4.5 करोड़ क्वांटिटी जो कि अपर सर्किट पे लगी हुई है, जो कि 2.50 रुपए पर, इट मीन्स कि काफी बड़ी तादाद में अभी बायर बैठे हुए हैं इसको बाय करने के लिए। सो गाइस, लो की बात करें 0.45 तक ये लो गया हुआ है। एंड अगर इसके हम एनालिसिस की बात करें, काफी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। स्ट्रेंथ की बात करें तो, या फिर वीकनेस की बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, थ्रेट की बात करें, तो स्ट्रेंथ की बात करें 7 थ्रेट है, सॉरी स्ट्रेंथ है। राइजिंग नेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नियर 52 वीक हाई, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद नो डेप्ट, कंपनी के ऊपर डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, 0 डेप्ट है, 0 उधार है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर्स, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें वीकनेस की, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइन इन प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, लो पाइटर्स की स्कोर कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल्स, बुक वैल्यू पर शेयर डिटोरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, कंपनी विद हाई प्रोमोटर प्लेस। एंड अगर बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज की, तो पॉजिटिव ब्रेकआउट, थर्ड रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, जो कि 0.45 से जो कि कई गुना अभी ऑलरेडी जंप कर चुका है, करीब करीब जो कि मोर देन फाइव मल्टीपल यहाँ पर जंप ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक विद लो पी। एंड अगर बात करें इसके थ्रेट की, तो गाइज इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, एंड इसके अलावा जो कि इसमें बाइंग एक बड़ी तादाद में अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप 7 जुलाई को देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर लोअर सर्किट जरूर लगा था, बट एकदम से जैसे ही इसमें जो कि लोगों ने देखा कि अभी लोअर सर्किट लग चुका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां पर काफी मोटी बाइंग हुई थी, एक बड़ी क्वांटिटी आपको यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल जो कि काफी बड़ी देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट जो सेंटिमेंट की बात करें, 74% बाय, 16% सेल एंड 10% होल्ड करने का इसमें सेंटिमेंट नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट जो कि ऑफकोर्स एक इसका फाइनेंशियल की बात करें, तो फाइनेंशियल भी काफी इवन बेटर है। अगर क्वार्टरली हम इसका रिजल्ट देखें, तो गाइस रिजल्ट में जो रेवेन्यू है इसका जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा खासा इसमें जंप देखने को मिला है, एक ईयर ऑन ईयर भी एक हल्का सा जंप इसमें देखने को मिला है रेवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑफकोर्स एक काफी बड़ा लॉस यहाँ पर मार्च क्वार्टर में शो हुआ है। एंड जो कि अगर बात करें लास्ट मार्च जो 2020 वाले जो मार्च क्वार्टर की बात करें, तो गाइज इसमें लॉस है ईयर ऑन ईयर जो कि आधा हो चुका है। ये एक बड़ी जो कि ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो करीब करीब सेम सिचुएशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें होल्डिंग की, तो गाइज यहाँ पर जो होल्डिंग है, होल्डिंग के लिए जो कि ऑफकोर्स प्रोमोटर भी इसमें एंट्री ले चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी, डोमेस्टिक भी, पब्लिक भी, अदर्स भी। सो गाइज अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, 60.96% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, पब्लिक की बात करें 33.44% होल्डिंग है, प्रोमोटर की बात करें 3.36% होल्डिंग प्रोमोटर की है, अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की 2.23% यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, एंड अदर्स की एंट्री भी 0.01% के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। सो इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जो कि अभी बिल्कुल फ्लैट है। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर जो ऑफकोर्स एक जो कि डाउनफॉल देखने को मिला है फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में, एक चीज यहाँ पर नोटिस करने को मिल रही है कि प्लेज इसमें बहुत ज्यादा है,
जो कि गिरवी शेयर काफी ज्यादा है, जो कि 100% अभी गिरवी शेयर है। तो प्लेस सबसे ज्यादा जरूरत है अभी जीटीएल को तो प्लेस दूर करने की है, ऑफकोर्स जो कि काफी, इवन जैसे ही ये प्लेस दूर होगा, एक मददगार मींस कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सब जो भी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं इसमें, कि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर एक हल्का सा जो कि होल्डिंग में डाउनफॉल देखने को मिला है। डोमेस्टिक की बात करें तो गाइस, डोमेस्टिक में जो कि ऑफ कोर्स जो कि यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर भी जो कि डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बात करें तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है होल्डिंग में। एंड पब्लिक की बात करते हैं गाइस, पब्लिक होल्डिंग काफी इंक्रीज हो रहा है अगर बात करें मार्च क्वार्टर में, जो कि मार्च 2021 में। एंड अदर्स की बात करें तो गाइस, अदर्स में जो कि जून से लेके दिसंबर तक जो कि निल था, इससे पहले मार्च में होल्डिंग एक छोटी सी थी, अभी दोबारा से मार्च में एक होल्डिंग छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर नजर आई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें जो कि इसकी एक न्यूज की, तो काफी बड़ी न्यूज है जो कि कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई थी। जीटीएल इंफ्रा कंसीडर्स अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अपॉन कन्वर्जन ऑफ सीरीज पी टू बोन स्टॉक अप टू 4.5%। सो गाइस, अलॉटमेंट ऑफ बोन्स विल एग्रीगेट US$0.13 million एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ ₹10 per share। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अनलिमिटेड ऑन वेस्टेज हैज कंसिडर अलॉटमेंट ऑफ 8,40,287 इक्विटी शेयर्स कॉन्सिक्वेंट टू द कन्वर्जन ऑफ 129 इंटरेस्ट पेयरिंग सो एग्रीगेटिंग टू US$0.80 million एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ ₹10 इज पोस्ट कन्वर्जन आउटस्टैंडिंग बी टू बॉन्ड आर US$59.039 million June 23, 2021 द कंपनी सेड इन फाइलिंग ऑन वेडनेसडे। सो गाइस, जिसकी वजह से काफी जंप इसमें देखने को मिला था, और गाइज अभी भी आज भी वहां से लेके और अभी तक काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। सो गाइज, कंटिन्यू अपर सर्किट पे लो हो रहा है, एंड जैसे ही डिप मिले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा, हमें इसमें जो कि स्टेक लेना चाहिए, इसके शेयर लेने चाहिए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर आपको मिले तो ऑफ कोर्स एक लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करने होंगे, लंबे टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है, क्योंकि जैसे ही 5G वगैरह जो कि जैसे ही आएंगे मार्केट में, तो गाइस ये काफी बड़ा जंप इसमें देखने को मिल सकता है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए जो कि एक बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। सो गाइस, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।